भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में ईडी ने जहां कलाम कोचिंग को जद में लिया हुआ है तो कई खुलासे भी हो सकते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नकल व पेपर लीक का मामला बड़े पैमाने पर मुद्दा बन जाए। फिलहाल ईडी व इनकम टैक्स विभागों की नजर सीधे तौर पर पेपर लीक, फर्जीवाड़े और उससे पहुंचाए जाने वाले फायदे को लेकर नेताओं पर है। बीजेपी सांसद राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के साथ इतना बड़ा झोल किया जा रहा है, ईडी सारे राज बाहर निकाल कर रहेगी। चार से पांच लोग जिनकी जो राजस्थान के युवाओं के साथ इतनी बड़ी चोट करे, इस स्वाभिमान से जो इम्तिहान देकर पास होना चाहे, अपने जीवन भर की बचाई हुई कमाई को ट्यूशन पे लगा दे, उनके 16-16 बार पेपर लीक हो जाए, तो ये एक पेपर लीक की इंडस्ट्री है। और ये अब अड़े हुए हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब अड़े हुए हैं कि हम तो अंदरूनी ही इंक्वायरी करवाएंगे, यानी जो बदमाशी कर रहे हैं वही अब इंक्वायरी करना चाहते हैं, ऐसा चल रहा है पिछले समय से। और नीचे छोटे छोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें ऊपर तक है ऊपर कोई आंच नहीं आ रही। आपने देखा किस तरह से जो रिक्रूटमेंट का जो सेंटर है आरपीएससी, उसके अंदर चार से पांच लोग जिनकी राजनीतिक नियुक्ति हुई है वो पकड़े गए हैं।